तो मैं हूं सपन राज और आपका राज ग्राफिक ज्ञान में स्वागत। जैसा कंटिन्यू आपको फोटोशॉप के बारे में बता रहा था तो उसी में जैसे आपको बताने जा रहा हूं, इसमें फ्रेम टूल होता है। जैसे आपको नाम से पता है फ्रेम, जैसे क्या आप घर पे देखते हैं फ्रेम होती है, तो उसे हम क्या करते हैं फोटो को डालते हैं, उस शेप में वो फोटो चली जाती है। तो उसी में आपको फोटोशॉप में क्या है दो तरह के फ्रेम हमारे दे रखे हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, हम जैसे यहाँ पर टूल बार में आपका यहाँ पर फ्रेम टूल है, ये देखिए जस्ट आपका यहाँ पर फ्रेम टूल है। जब इस पर क्लिक करेंगे आपके यहाँ पास यहाँ पर दो तरह के टूल्स दिखते हैं आपके फ्रेम, एक हमारे क्या है रेक्टेंगुलर है, एक आपके सर्कुलर है, ठीक है, दो तरह के। इसका यूज कैसे करते हैं चलिए आपको बताता हूँ। तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक इमेज ले रखी है, देखो ये इमेज ले रखी है। इसका यूज चाहे आप कहीं भी कर सकते हो और जो डिजाइन बना रहे हो वहाँ कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो, बस आपको प्रोसेस पता होना चाहिए। जैसे हमने मान लो यहाँ ले रखा है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ विंडो में जाता हूँ और लेयर्स को खोल लेता हूँ, जिसका शॉर्टकट होता है F7। ये खुल गई, ये देखिए लेयर रही आपकी खुली हुई। अब आपको क्या करना है, यहाँ से फ्रेम टूल पे क्लिक करना है। जैसे ही फ्रेम टूल पे क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे दो फ्रेम एक्टिव हो जाएंगे, एक आपको क्या है यहाँ पे रेक्टेंगुलर है, एक आपका सर्कल है। तो पहले हम रेक्टेंगुलर देख चलते हैं। आपको जो भी एरिया को फ्रेम करना है उतना ही एरिया चाहिए आपको, उतने एरिया पर क्या करें आप माउस से लेफ्ट ड्रैग कीजिए और छोड़ दीजिए जितना आपको चाहिए। आप इसको बाद में भी एडिट कर सकते हो, वो भी आपको बताऊँगा। अब मैंने क्या किया इस पर क्लिक कर दिया। अब आपको करना क्या है, जैसे मैं इससे पहले वाले आपको मैंने वीडियो में बताया था क्लिपिंग मास्क में, आपको इमेज को हमेशा जिस पर करना है फ्रेम उससे ऊपर रखना था। अभी इमेज आपकी नीचे है तो आप इसको उठा के ऊपर कर दें, ठीक है। अब जैसे ऊपर किया देखिए आपकी क्या इमेज फ्रेम के अंदर चली गई, जिस साइज का आपने फ्रेम लिया था ये देखो उस फ्रेम के अंदर चली गई। अब आपको क्या है, मान लो कि आपको इमेज को छोटी बड़ी करनी है, तो आपको क्या करेंगे यहाँ देखिए लेयर में जो इमेज दिख रही है इमेज पर आप क्लिक कर दें। जैसे क्लिक करेंगे आपका देखिए बॉन्डिंग बॉक्स एक्टिव हो जाएगा, अगर नहीं होता है तो आप बाहर क्लिक करें। यहाँ देखिए शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल दिख रहा है, इस पर क्लिक करके इसको चेकबॉक्स को ऑन कर दें। जैसे ऑन करेंगे आप इस पर क्लिक करेंगे आपका ये दिख जाएगा। उसके बाद आपको जैसे भी छोटा बड़ा करना है इमेज को इजीली आप छोटा बड़ा करके यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। आपको जैसा लगे यहाँ से इमेज को आप रिसाइज कर सकते हैं इजीली, आपको जैसे ठीक लग रहा है, आपको लगता है जो एरिया आपको दिखाना वो एरिया आप दिखाइए और एंटर प्रेस कर दीजिए या फिर मूव टूल पर क्लिक कर दीजिए। ये तो होगी आपको इमेज बड़ा करने का। अगर मान लीजिए आपको लगता है हमें फ्रेम बड़ी करने क्या करना, तो आप यहाँ पर देखिए फ्रेम वाली लेफ्ट वाली फ्रेम की है राइट वाली इमेज की है, लेफ्ट वाले क्लिक कीजिए आपकी फ्रेम एक्टिव होगी। और आपको जैसे भी फ्रेम को बड़ा करना है आप उस तरह से कर सकते हैं। अगर रेशियो में करना है तो आप शिफ्ट दबा के कीजिए, अगर नॉर्मल करना है नॉर्मल आप कर सकते हैं। इस तरह से आप क्या फ्रेम को बड़ी कर सकते हैं, और इमेज को करना है तो इस पर क्लिक करके आप इमेज को भी मूव इजीली आप कर सकते हैं। ये तो हो गई आपकी किसके साथ, ये होगी आपकी रेक्टेंगल के साथ। इसी चीज़ को अगर हमें मान लो करना है क्या उसके साथ करना है आपको सर्कल के साथ, तो क्या करेंगे हम यहाँ जैसे हम फ्रेम टूल पर क्लिक किया और यहाँ हमने क्या किया सर्कल पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आप क्या क्या इसको ड्रॉ कर लें, आपको जैसे भी ड्रॉ करना है आप शिफ्ट दबा के ड्रॉ करेंगे तो प्रॉपर सर्कल बन के आएगी। बस उसके बाद आपको सेम वही प्रोसेस करना है, आपको इमेज को उठा के ऊपर कर देना है और सेम उसको जो फ्रेम है फ्रेम को नीचे कर देना है। और उसके बाद आपको जैसे भी रिसाइज करना है, अगर इमेज को करना है तो इमेज वाले पीस पर क्लिक कर दें और इसको जिधर खिसकाना है इजिली आप यहाँ से खिसका लें। छोटा बड़ा करना है तो आप छोटा बड़ा भी यहाँ से इजिली आप कर सकते हैं, आपको जो ठीक लग रहा है यहाँ से आप करके एंटर प्रेस कर दें। इस तरह से नॉर्मली आप क्या है आप जो फ्रेम बनाते हैं रेक्टेंगुलर फ्रेम भी बना सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं सर्कुलर ही बना सकते हैं। और आपको जो मैंने इसको एडिट करने का प्रोसेस बताया, अगर फ्रेम को छोटा बड़ा करना है तो लेफ्ट वाले पे फ्रेम वाले पे करके आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं इजीली, और इमेज को करना है तो इमेज वाले पे क्लिक करके इमेज को आप मूव कर सकते हैं छोटा बड़ा जो कर सकते हैं इजीली आप कर सकते हैं। तो आप इस चीज़ को क्या है प्रैक्टिस करके देखिए, जिससे आप इजीली आप समझ जाएंगे हम इसमें फोटोशॉप में फ्रेम टूल का यूज कैसे करते हैं। तो ये था हमारा आज का छोटा सा वीडियो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।